बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय है वो है किसान आंदोलन, और संसद भी इस वजह से काफ़ी कुछ वहाँ पर देखने को मिला है इस समय। हालांकि अब संसद सत्र खत्म होने की बात हो गई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो किसानों के बारे में जो बिल प्रस्तुत किए गए हैं वहाँ पे तीनों बिल पास तो हो गए हैं, लेकिन बहुत हंगामेदार ये सेशन रहा है। और हंगामा सिर्फ संसद में ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त हम देख पा रहे हैं किसान आंदोलन के रूप में, और हरियाणा और पंजाब से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश के तमाम हिस्सों में, सभी हिस्सों में अब पहुंचता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम हिस्सों में अब हम देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलित हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब 1938 में बाबा साहब ने किसानों के लिए आंदोलन किया था 10 जनवरी को, तो वो क्या कारण था और क्यों उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, और अभी जो ये जो बिल प्रस्तुत हुए हैं, अगर बाबा साहब होते तो क्या सोचते इन बिलों के बारे में, क्या उनकी राय होती, और किसानों के लिए बाबा साहब की क्या सोच थी, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजरत्न जी हैं, जो कि आप सभी जानते हैं राजरत्न अंबेडकर जी, जो बाबा साहब के ही परपौत्र हैं, और इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि बाबा साहब होते तो वो क्या सोचते। हमारे साथ हैं अनिल वैद्य जी, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, और उन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपनी राय रखी है। आज हम जानेंगे कि बाबा साहब अगर होते तो वो क्या सोचते इन बिलों पर, उनकी क्या राय होती, हम इस विषय में आज चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे अनिल वैद्य जी के पास, उसके बाद हम राजरत्न जी से उनके विचार जानेंगे। सुधीर जी, बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उनके बारे में हम जो जानते हैं, कानून के ज्ञाता थे, कानून तज्ञ थे, घटना तज्ञ थे, अर्थ तज्ञ थे, उसी तरह वो कृषि तज्ञ भी थे। अब लोगों ने बाबा साहब को एक सिक्का मार दिया है कि वो दलितों के कईवारी थे। अरे नहीं, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के कईवारी थे, वो महाराष्ट्र पुरुष थे, और मैं कहते हैं वो किसानों के भी कई बनी थी। देखो, बाबा साहब ने जो पहला पक्ष निकाला था, शेत मजदूर पक्ष, कामगार मजदूर पक्ष, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, अब वो उसका बाबा साहब ने हेतु बताया 1936 में वो निकाले थे, 1937 का एक भाषण में वो कहते हैं कि हमारे पार्टी का हेतु किसान और मजदूरों के कल्याण का है, और किसान और मजदूर ये कोई विशिष्ट जाति के नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने वो पक्ष जब निकालता है, जब बाबा साहब एक पक्ष किसान और मजदूरों के लिए निकालते हैं, तो उसके उनके उनको जो उसका कंसर्न था, उनकी जो समस्याएं थी, वो कितने अवगत होंगे बाबा साहब, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे चल के जब उनको शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन करना था, टाइम टू टाइम जो उनकी बात करना पड़ता था, तो ब्रिटिश लोग बोलते थे कि ये शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व करने वाली ये संगठन नहीं है। कांग्रेस के भी लोग बोलते थे कि ये शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व नहीं। तो ये प्रतिनिधित्व का जब मुद्दा आता था तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निर्माण किया था, लेकिन उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग उसमें थे। जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की चुनाव में जो भी चुनकर आते थे, तो हम देखते हैं कि ना ही शेड्यूल कास्ट तो उसमें चुन के आते थे, बल्कि किसान भी आते थे, दूसरे कास्ट के भी लोग आते थे। तो ये पार्श्वभूमि हमने समझ लेनी चाहिए। सुधीर जी, आपने जो आज मुझे सवाल किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार ने जो किसानों के बारे में कुछ कानून बनाए हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब के विचार क्या रहे होते, तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि किसानों की प्रगति के लिए, किसानों की बुरी हालत सुधारने के लिए बाबा साहब ने जो विचार रखे थे,
उनकी जो किताबें है, जो प्रबंध है, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड इट्स रेमेडीज, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो जाहिरनामा था इलेक्शन का 1951 का, उसमें ये जो हम दो तीन उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे हमें ये पता चलता है कि बाबा साहब ने किसानों के विकास की जो विकास का जो प्रोग्राम दिया था, जो प्लानिंग दिया था, वो एक मूलगामी स्वरूप का था। अभी आज के जो विधेयक आए हैं, वो विधेयक जो है वो खेती का माल खरीदी करना और उसको कैसे बेचना इस संबंध का है। मतलब इनका जो आज के जो कानून है वो माल खरीदी बिक्री के बारे में है, और बाबा साहब ने जो कहा वो किसानों की हालत सुधारने के लिए जो योजनाएं दी उनमें से है। बल्कि उसमें एक हमें बाबा साहब का जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो 1951 का जो जाहिरनामा है उसमें एक प्रावधान दिखता है आज के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा था कि किसानों के माल खरीदी बिक्री के लिए कमिटी होना चाहिए। मतलब आज जो कृषि बाजार समितियां है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कमिटीज, तो वो उस तरह की कमिटियां होना चाहिए, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। मतलब अभी के कानून में जो एग्रीकल्चरिस्ट का जो माल है वो खरीदा जाता है, अभी नए कानून से डायरेक्ट वो कहीं पर भी बेच सकेंगे और कोई भी खरीदी कर सकेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला कि हम एग्रीकल्चर मार्केट कमिटी और उसको जो दिए हुए हमी भाव जो है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो बाबा साहब ने बताई हुई कमिटियाँ तो चालू है, लेकिन अभी नया प्रावधान है कि नए खरीदेदार आएंगे, कॉरपोरेट खरीदेदार आएंगे। तो अभी जो विरोध करने वाले लोगों का कहना यह है कि नए खरीदेदार आएंगे तो ये जो मार्केट कमिटियाँ है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। राजेंद्र जी, आप बताएं कि आप इन बिलों को किस तरह से देखते हैं। ये जो नया कानून बना है, इस कानून से भारत के सभी किसानों के हाथों से उनकी जो जमीन है, जो खेती है, ये हमेशा के लिए चली जाएगी। अब भारत का जो किसान है ये किसान के रूप में काम नहीं करेगा, उस खेती के ऊपर एक बंधुआ मजदूर की तरह अब उसका काम रह जाएगा। क्योंकि इस बिल के अंतर्गत जितनी भी जमीन है, जितनी भी खेती है, इन खेतियों के ऊपर अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अंबानी का रिलायंस फ्रेश ये छोटे छोटे किसानों से उनकी जो उपज है वो लेकर यहां पर बेचा करता है। अब ये सारी जमीन किसानों के हाथों से अंबानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत पहले ही उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और उनको बंधुआ मजदूर की तरह, उनको जितना भी समय लगता है वो समय उनसे मेहनत करवा के वो उपज ये अंबानी मार्केट में लेकर आएगा। किसानों को अपने उपज का भाव निर्धारण करने का कोई भी यहां पर अधिकार नहीं होगा। एपीएमसी जो कमिटी, मार्केट कमिटी हुआ करती थी, ये कमिटियां भी रद्द हो जाएंगी और सारा अधिकार अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उनके हाथों में ये अधिकार चले जाएंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के आम नागरिक का होगा। क्योंकि जो किसानों से उपज हम लोगों को मिल रही थी, अब वो किसानों से नहीं मिलेगी, वो अंबानी से मिलेगी। यानी किसान अगर 10 रुपए में हमको कुछ चीज दे रहा था, अब उसके ऊपर एक स्टिकर लगाकर अंबानी अपने वो जो उपज किसानों से लेगा वो हमारे घरों में आएंगे। जो चीज हम 10 रुपए में लिया करते थे वो शायद 50 और 100 रुपए में हम लोगों को आगे चलकर लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये हर उस आम नागरिक का आंदोलन होना चाहिए जो इस देश के किसानों के साथ डट कर खड़ा रहना चाहता है।
अनिल जी, एक बात अक्सर कही जाती है, कई विचारकों ने भी ये बात लिखी है और ये दस्तावेजों में भी है, कि बाबा साहब चाहते थे कि खेती का राष्ट्रीयकरण हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ जो उन्होंने बातें बताए, जो सजेशंस दिए किसानों के रिफॉर्मेशन के लिए, उन्नति के लिए, उनमें सबसे अहम मुद्दा है टुकड़ेबंदी। टुकड़ेबंदी क्या है? ये जो किसान है कि बहुत से किसानों की खेती जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। कोई जो एक फैमिली के टुकड़े होते हैं, मतलब बंटवारा होता है, तो उसके कारण टुकड़े होते हैं, या अनन्य कारण से जो टुकड़े होते हैं, तो वो टुकड़े भी ऐसे होते हैं कि एक खेती के, एक किसान के 10 टुकड़े 10 जगह होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो एक टुकड़ा 2 एकड़ का एक जगह है, 3 एकड़ का अलग जगह है, और 2 एकड़ का और कई जगह है, तो उसमें वो किसान ठीक तरह से जोत नहीं सकता अपनी खेती। उसको अपना एक खेत में कुआ लगाएगा, 2 एकड़ का करेगा, ऐसी कितनी कुएं खंदे तैयार करेगा वो, या का प्लान मोटर पंप लगाएगा, यानी एक फार्मर को कितने मोटर पंप लेना पड़ेगा जितने उसके खेत है, जबकि उसके पास 10 एकड़ खेत है, 5 जगह बटे है, 5 मोटर पंप 5 कुएं बनाना पड़ेगा, और जोतने के लिए एक खेत से निकलेगा तो दूसरे खेत में जाने के लिए उसका 2-4 घंटे का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से टुकड़े बंदी एक प्रोग्राम दिया उन्होंने कि ये टुकड़े होने से किसानों के उत्पादन करने में दिक्कत आती है। एक प्लान भी दिया था कि नज़दीक नज़दीक के लोगों को वो खेती एक जगह करने की और उसके बदले में दूसरे जगह का देने का, कई जहाँ स्वेच्छा से होता है तो स्वेच्छा से करने का, कुछ सख्ती से करने का, कुछ खरीद के करने का, ऐसा सरकार को ये प्लान दिया था, और ये बहुत बेसिक प्लान है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। बाद में उन्होंने एक कोऑपरेटिव सिस्टम से फार्मिंग करने को बोला। जैसे कोऑपरेटिव बोले तो क्या हम अभी देखते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होती है, पत्र संस्था होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के शेयर्स रहते हैं, और उसके ऊपर वो लोन देना और इसके फायदे लेना, इस टाइप का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, वैसे ही 1-5-50-100 किसान एक जगह आएंगे और एक ही दफा उसका जो खेत कसने का जो तरीका है, मतलब जो माल लगता है, बीज लगता है, दवाइयाँ लगती फवारने की, इंसेक्टिसाइड या क्या बोलते हैं उसका, खत लगता है, तो ये सब जो है फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब मिलके खरीदी करेंगे, और जोतने के लिए ट्रैक्टर से सब मिलके करेंगे, तो उसका जो खर्चा आता है तो वो कम लगेगा, और सब मिलके जब करेंगे तो ऐसे तो वो ट्रैक्टर्स भी खरीदी कर सकते हैं, जो जो भी मटेरियल लगता खुद खरीदी कर सकते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम उन्होंने बताई थी। दूसरा उन्होंने तीसरा मुद्दा बताया सामुदायिक खेती। सामुदायिक खेती का जो मुद्दा है वो उन्होंने बोला कि सरकार ने सभी काश्तकारों की जमीन अपने ताबे में लेने की, मतलब बेचने की नहीं, ताबा, नॉमिनल ताबा, और सरकार ने पूरा खर्चा करने का, भांडवली खर्चा, और वो किसानों के जरिए उसको तैयार करके देने का, मतलब किसानों को ही उनको काम को लगाने का, अपनी अपनी खेती करने को, लेकिन पूरा खर्चा सरकार करेंगी और उसका जो बेनिफिट आएगा, जो भी फायदा होगा, वो उन किसानों को बांट देने का, और उसमें से कुछ पैसा जो भी उन्होंने सरकार ने लगाया है वो कुछ पैसा वो सरकार लेंगी। अब जब हम देखते हैं कि कोई किसानों को अपनी खेती करने के लिए 50,000-1,00,000 कर्जा लेना पड़ता है, अब वो कर्जे का वो खेती को लगाता है या और अन्य खर्चा करता है, तो जब कि सरकार ही सब खर्चा लगाएगा और खेती ही करेगा, तो किसानों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी जो आत्महत्याएं होती है कर्जा देने की वगैरह या अलग अलग, तो ऐसी आत्महत्याएं नहीं होंगी, और जब सरकार ही करता है, जैसा अभी हम देखते हैं कि सरकार पहले PWD चलाती थी, उनके पास में सब डंपर वगैरह सब यंत्र यंत्रणा थी, सरकार के जो कारखाने वगैरह है
अब ये मिलिट्री है, मिलिट्री डिफेंस फोर्स है, कारखाने है, सब है, तो उसी तरह से काश्तकारों के जो भी यंत्र सामग्री है वो सरकार बनाएंगी, सरकार लगाएगी और उसका जो मुआवजा होता है वो काश्तकारों को, किसानों को दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी योजना है जिसके ऊपर कभी कोई भी गवर्नमेंट ने ख्याल नहीं दिया। तीसरा उन्होंने बताया कि खेती का जो है यांत्रिकीकरण होना चाहिए, मतलब जो पारंपरिक पद्धति से जो खेती होती है वही बैल और नांगर हल चलाना और मखरना वगैरह जो है पुराने पद्धति से, तो वो बहुत कष्टदायक है, श्रमदायक है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस वक्त उस जमाने में उन्होंने बोला कि इसका पूरा यांत्रिकीकरण होना चाहिए, मतलब ट्रैक्टर्स है, प्लोइंग मशीन्स है और थ्रेशर मशीन है अभी इसकी सीड अलग करने की, इस तरह का सब खेती में सरकार ने और किसानों ने उपयोग करना चाहिए। ये यांत्रिकीकरण से श्रम कम जाएंगे और फायदा ज़्यादा होगा, टाइम भी बचेगा। तो ये उन्होंने दिया था मुद्दा। बाद में उन्होंने औद्योगिकरण करने को बोला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब खेती से रिलेटेड इंडस्ट्रीज निकालने की। उन्होंने बताया था कि जो भी खेती के लिए माल लगता है वो हम उसके इंडस्ट्रीज से बना सकते हैं, जो भी लगता है, जैसा दवाई है, इंसेक्टिसाइड है, स्पिरिट वगैरह है, या बड़े मैकेनिज्म में ट्रैक्टर्स है, प्लोइंग मशीन्स है, या थ्रेशर्स है, ये जब वही लोग बनाएंगे तो वो खेती के लिए उसका इस्तेमाल होगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके ऊपर निर्भर जो है तेल निकलता है, ये भी बिजनेस निकालने के, तो उसका भी फायदा किसानों को होगा। और उससे क्या होगा, उन्होंने बोला कि शहरीकरण जो है, जो ग्रामीण लोग जो नौकरी के खोज में जाते हैं, तो वो उस पर निर्बंध आएगा, मतलब नियंत्रण मिलेगा। ये एक औद्योगिकरण का उन्होंने अच्छा सुझाव दिया था। बाद में उन्होंने बोला कि नदी जोड़ प्रकल्प 1945 में गवर्नमेंट को, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया था कि जितनी भी नदियां हैं, कुछ नदियों को इतना पानी आता है कि उसके बाढ़ जो है गांव खेड़े को ख़त्म कर देता है और कुछ नदियों को बाढ़ आता ही नहीं है। तो जब उसका जोड़ दिए नदियां, तो वो अलग अलग नदी से उसका प्रवाह चले जाएगा, बाढ़ का जो प्रकोप है वो नहीं होगा और उससे इरिगेशन मिलेगा, उसका फायदा ये होगा कि इरिगेशन मिलेगा। हाँ, वो औद्योगिकरण में उन्होंने विद्युतीकरण का भी बताया कि विद्युतीकरण करेंगे पानी के कारण, तो उसका फायदा किसानों को होगा। तो सुधीर जी, ये बहुत मूलगामी विचार उन्होंने रखे है, इन जो भी सजेशंस है ये बहुत किसानों की हालत सुधारने के लिए बेसिक जो बताया वो यदि इम्प्लीमेंट होता है सरकार की ओर से, तो मुझे लगता है कि कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और बड़े पैमाने पे उनकी परिस्थिति सुधरेगी और राष्ट्र को भी उसका फायदा होगा। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता प्रकाश अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं इस समय, वो इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। आरएसएस बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी किसानों के खिलाफ है। किसान को ऊपर आने देना नहीं चाहते और ये जो कॉरपोरेट जगत है उसके लिए इनका माल सस्ता कैसा हो, ऐसी ही रणनीति इनकी रहती है। जो तीन विधायक लोकसभा राज्यसभा में मंजूर किए, उसका एक ही मकसद है कि किसानों का माल सस्ते में मिले, बिना किसी प्रकार की हिचक मिले,
और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको किसी भी तरह से खत्म करे, इसकी ये साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है, आप बताइए कि बीच में रिलायंस और दूसरी विदेशी कंपनी जो है इनका रिटेल में अपना शेयर बढ़ाने की बात हुई, क्या ये बिल उनके उद्देश्य को सफलता दिलाने के लिए बिल ला गया है? उनका उद्देश्य सफल हो इसलिए ये बिल ला गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये कहते हो कि एमआरपी रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? किसान जहां बेचने जाएगा वहां पर लागू कौन करेगा? आज ये था कि तहसील की मंडी हो, जिला की मंडी हो, उन पर कानूनी तौर से बंधन था कि वो एमआरपी में खरीदे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान रास्ते पर उतरा है, उसी तरह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान भी रास्ते पर उतर के इस सरकार को अपनी औकात दिखाएगा, यही उम्मीद वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। और किसानों के इन आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का ये परिवार उनके साथ डटकर खड़ा है। हम भी इस आंदोलन में शामिल है और देश के हर युवा को, हर बेरोजगार को, हर व्यक्ति को, हर गृहिणी को, हर माता को इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर इसका जो कॉर्पोरेटाइजेशन होने वाला है, इसका जो कॉर्पोरेटीकरण करने की जो एक प्लानिंग लेकर देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, इसका कॉर्पोरेटीकरण हम लोगों को करने से रोकना है, यही आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो राजरत्न जी, आपने कह दिया है कि आप तो इस आंदोलन में साथ हैं ही, और साथ ही पूरा परिवार भी इस आंदोलन में है, जैसा कि अभी बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे थे। तो हम समझते हैं कि किसानों के इस आंदोलन में तमाम लोग शामिल हैं, और ये आंदोलन इसका क्या हश्र होगा और इसके क्या परिणाम आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त पूरा देश जो है वो किसानों के इस आंदोलन को सोशल मीडिया के माध्यम से जान पा रहा है। अगर और देखा जाए तो जो स्थापित मीडिया है वहाँ पर तो अभी भी सुशांत और रिया ही राज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।